एनसीपी प्रमुख शरद पवार शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान के दौसा पहुंचे। शरद पवार एनसीपी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के साथ विशेष विमान से दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया। पुलिस के आला अधिकारी भी जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया ने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घमासान को लेकर पवार से सवाल पूछे, लेकिन पवार ने कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें, शरद पवार और पटेल दौसा में एक निजी स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। राजस्थान एनसीपी के अध्यक्ष ने शरद पवार को अपनी कई मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। जयपुर एयरपोर्ट से शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल कार से दौसा के लिए रवाना हो गए। दोनों नेता दौसा में एक निजी स्कूल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। वैसे शिक्षा के क्षेत्र में मुझे बहुत बड़े पैमाने पर असूचित है। मैंने कई इंस्टीट्यूशन देश में देखी, देश के बाहर देखी, जो अच्छी इंस्टीट्यूशन है, सभी किस्म की सुविधा देने वाली और एक मजबूत नई पीढ़ी तैयार करने की उम्मीद रखने वाली, आज मैंने दौसा में देखी। और इसलिए नरेंद्र भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि जिस तरह से आपने सभी काम यहाँ किया, इसके डिटेल हमारे साथ भेजो। हम जहाँ जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहे थे उनको कहेंगे कि इस लाइन पर चले। सर, महाराष्ट्र में बहुत ही सियासी उठा पटक चल रहा है, स्कूल के उद्घाटन समारोह में शरद पवार ने कहा कि शिक्षा का मंदिर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्कूल के टीचर्स उसकी सबसे बड़ी नींव होते हैं, उन्हें हर कदम पर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने खास वाहन में सवार होकर संपूर्ण स्कूल की बिल्डिंग का अवलोकन किया, स्कूल में उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं को देखा। शरद पवार ने कहा कि अब तक उन्होंने काफी इंस्टीट्यूशंस देखे हैं, विदेशी इंस्टीट्यूशंस भी देखे हैं, लेकिन दौसा में जानकी देवी ने जो एक शब्द के लिए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल का निर्माण किया है, जहाँ पर तारामंडल, स्विमिंग पूल, जिम, बच्चों के खेलने के लिए बड़ा प्लेग्राउंड, बड़े हवादार कमरों के साथ लग्जरी सुविधाएं, संयुक्त स्कूल और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस उपलब्ध करवाई गई है। उसके लिए शरद पवार ने जानकी देवी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन नरेंद्र वर्मा को धन्यवाद कहा और कहा कि भविष्य में वो इसी तरह के स्कूल बनाएं जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। उन्होंने स्कूल की तारीफ करते हुए कहा कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के मुकाबले जानकी देवी पब्लिक स्कूल कहीं भी कम नहीं है। इसके बाद स्कूल में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बाल बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पंजाब केसरी टीवी के लिए दौसा से अचल पांडे की रिपोर्ट।